नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवि नेताम। आज मैं जा रहा हूं दिल्ली राजा से डोंडी लोहारा की ओर। तो चलिए मैं आपको दिल्ली राजा से डोंडी लोहारा तक की सैर कराता हूं। अब हम कुसुम कसा चौक में पहुंच चुके हैं। राइट वाली रास्ता दुर्गा और बालोद की ओर जाती है और ये सीधी वाली रास्ता डोंडी लोहारा और राजनांदगांव की ओर जाती है और हम जा रहे हैं डोंडी लोहारा की ओर। तो चलिए अब हम डोंडी लोहारा की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी हम कुसुम कसा चौक से आगे पहुंच चुके हैं। अब इसके आगे धुरवा टोला नामक गांव आएगा। हम अभी दिल्ली राजरा से डोंडी लोहारा की ओर जा रहे हैं। आप अभी देख पा रहे होंगे दिल्ली राजरा से डोंडी लोहारा ली रोड बहुत अच्छी बन चुकी है। पहले यह रास्ता बहुत खराब हुआ करती थी, आने जाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ करती थी, बट अभी यह रास्ता बहुत ही अच्छा बन चुकी है। आप अभी देख पा रहे होंगे इस रास्ते को बहुत अच्छे ढंग से बन गया ये वाला रास्ता, आप देख सकते हैं। अब हम धुरवा टोला गाँव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं धुरवा टोला गाँव का एक घर है और राइट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर एक साई मंदिर है और आप सामने और देख पा रहे होंगे ये पूरा धुरवा टोला गाँव का नज़ारा है। इनको आप देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं भाई लोग घूमने के लिए जा रहे हैं और ये धुरवा टोला गाँव का नज़ारा है। आप सामने देख सकते हैं ये शक्ति ट्रेवल्स की बस आ रही है जो कि राजनांदगांव से अभी दिल्ली राजरा की ओर जा रही है। इनको आप देख सकते हैं और ये धुरवा टोला गाँव का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा धुरवा टोला का। और ये वाला रास्ता धुरवा टोला बस्ती की ओर जाती है। तो चलिए अब हम यहाँ से और आगे की ओर चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके राजनांदगांव की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये वाली रास्ता डोंडी लोहारा से होते होते अभी राजनांदगांव की ओर आगे जाएगी और आप सामने देख सकते हैं ये भी धुरवा टोला का एक पारा ही है। इनको भी आप देख सकते हैं, सामने आपको एक और छोटा सा पारा मिलेगा, वो भी धुरवा टोला का एक पारा ही है। अब हम धुरवा टोला के दूसरे पारे में पहुंच चुके हैं, आप इसको भी देख सकते हैं, ये धुरवा टोला का दूसरा पारा है। अब हमको यहाँ से आगे जाना है। आगे हमको शिकारी टोला नामक गांव मिलेगा। तो चलिए अब हम धुरवा टोला से शिकारी टोला की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम शिकारी टोला नामक गांव में पहुंच चुके हैं। हम अभी शिकारी टोला नामक गांव से गुजर रहे हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे यह शिकारी टोला गांव का नज़ारा है। आप सामने देख सकते हैं, आपको शिकारी टोला गांव का बस्ती दिखाई दे रहा होगा। यहां पर देख सकते हैं ये शिकारी टोला गांव का बस्ती है। अब हम गिधाली गांव में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं ये गिधाली गांव का नज़ारा है और हम धीरे धीरे करके अभी गिधाली गांव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये गिधाली गांव का एक छोटा सा पारा है, इसके बाद एक और पारा आएगा। अब हम गिधाली गांव के दूसरे पारा में आ चुके हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे यह गिधाली गांव के दूसरे पारा का नज़ारा है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस गिधाली गांव का, आप अभी देख पा रहे होंगे। और हम धीरे धीरे करके अभी गिधाली गांव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। इसके बाद हमको गिधाली माइंस भी देखने को मिलेगा। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे जाकर देखते हैं गिधाली माइंस का नज़ारा। हम अभी धीरे धीरे करके डोंडी लोहारा वाली रोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अब हम लगभग लगभग गिधाली माइंस के पास पहुंचने वाले हैं। ये गिधाली माइंस के ट्रकें हैं, तो चलिए यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं और आगे जाकर देखते हैं गिधाली माइंस को। अब हम लगभग लगभग गिधाली माइंस के पास पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं ये गिधाली का माइंस है। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं और आगे चलते हैं बगली टोला नामक गाँव में। अब हम बकली टोला नामक गांव में पहुंचने ही वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं ये बकली टोला का तालाब है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस तालाब का, आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके बकली टोला गांव की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम बकली टोला गांव में पहुंच चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे। ये बकली टोला के घर का नज़ारा है, आप देख सकते हैं इन घरों को, ये बकली टोला का पूरा घर है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी बहुत सारे घर हैं, आप देख सकते हैं ये बकली टोला गाँव का पूरा नज़ारा। हम अभी धीरे धीरे करके बकली टोला गाँव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अभी देख पा रहे होंगे ये बकली टोला पूरा गाँव का ही नज़ारा है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दुकान है और राइट साइड में एक रोड दिखाई दे रही होगी, ये वाली रोड भैंस बोर्ड की ओर जाती है। अब हम बकली टोला के आगे पारा की ओर और बढ़ते जा रहे हैं, सामने हमको एक और पारा मिलेगा, ये भी बकली टोला का ही गांव है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे इस बकली टोला के आगे बढ़ते जाते हैं, आप देख सकते हैं ये बकली टोला का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा दिखाई दे रहा होगा, ये पूरा बकली टोला गाँव है, इनको भी आप देख सकते हैं। अब हम बकली टोला गाँव से आगे बढ़ चुके हैं, आगे हमको गेंजी गांव मिलेगा। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे डोंडी लोहारा की ओर बढ़ते जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में एक रास्ता दिखाई दे रहा होगा, यह वाली रास्ता बगमार मांझी धाम की ओर लेके जाएगी, आप देख सकते हैं ये मांझी धाम वाली रास्ता है, इस गेट को आप देख सकते हैं, ये वाली रास्ता मांझी धाम की ओर जाती है। अब हम आगे गेंजी के पास पहुंचने वाले हैं, आप देख सकते हैं हम लगभग लगभग गेंजी गांव में पहुंचने ही वाले हैं। ये गेंजी गांव का नज़ारा है, आप देख सकते हैं ये पूरा गेंजी गांव का नज़ारा। अब हम धीरे धीरे करके गेंजी गांव की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अभी गेंजी गांव का खूबसूरत नज़ारा देख पा रहे होंगे, बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है ये गेंजी गांव। हम अभी धीरे धीरे करके गेंजी गांव से गुजर रहे हैं। अब हम धीरे धीरे करके सहगांव की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमको राइट साइड में एक रोड दिखाई दे रही है, ये वाली रोड चितवा डोंगरी की ओर जाती है, इस रास्ते को आप देख सकते हैं, हम चितवा डोंगरी का पहले ही वीडियो बना लिए हैं, आप हमारा चितवा डोंगरी वाला वीडियो भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके सहगांव की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम लगभग लगभग सहगांव में पहुंच चुके हैं, आप अभी देख पा रहे होंगे यह सहगांव का खूबसूरत नज़ारा है। हम अभी धीरे धीरे करके सहगांव से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप अभी देख पा रहे होंगे यह सहगांव है।
आप देख सकते हैं सहगांव के घरों को आपको दिखाई दे रहा होगा, राइट साइड में आपको बहुत सारे घर दिखाई दे रहे होंगे। यह सहगांव का घर है, इनको आप अभी देख पा रहे होंगे। मैंने सहगांव के मड़ई का वीडियो भी बना लिया है, आपने हमारे सहगांव का मड़ई का वीडियो नहीं देखा है तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे सहगांव से आगे बढ़ते हैं और आगे चलेंगे पोपला टोला। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके पोपला टोला गाँव की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम धीरे धीरे करके पोपला टोला की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। सामने आप देख सकते हैं एक बस आ रही है, यह दादा ट्रेवल्स की बस है जो कि भानु प्रतापपुर की ओर जा रही है। अब हम पोपला टोला गाँव में पहुंच चुके हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे यह पोपला टोला गाँव का नजारा है। आपको रास्ते के दोनों ओर छोटे छोटे घर दिखाई दे रहे होंगे, यह पोपला टोला का घर है, इनको आप अभी देख पा रहे होंगे। और हम धीरे धीरे करके अभी पोपला टोला गाँव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। आगे पहाड़ी वाली माता का मंदिर है, तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे पहाड़ी वाली माता की मंदिर की ओर आगे बढ़ते जाते हैं। अब हम पहाड़ी वाली माता मंदिर के पास पहुंच चुके हैं। सामने आपको एक मंदिर दिखाई दे रहा होगा, यह पहाड़ी वाली माता का मंदिर है, आप सामने देख सकते हैं ये पहाड़ी वाली माता मंदिर है। तो चलिए अब हम यहां से आगे चलते हैं और आगे चलते हैं जाटरदाहा नामक गांव में। अब हम जाटादाहा नामक गांव में पहुंच चुके हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे जाटादाहा नामक गांव का नज़ारा है। लेफ्ट साइड में आपको एक तालाब दिखाई दे रहा होगा, आप इस तालाब को देख सकते हैं। इस तालाब का नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देती है। आप जब कभी भी दल्ली राजा से डोंडी लोहारा की ओर जाएंगे तो आपको ये जाटादाहा का तालाब देखने को मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा होता है इस तालाब का, आप जब कभी भी यहाँ से गुजरेंगे तो इस तालाब का नज़ारा देख सकते हैं। अब हम धीरे धीरे करके जाटादाहा नामक गांव से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमको जाटादाहा नामक गांव के बाद आगे सिवनी नामक गांव मिलेगा। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके जाटादाहा से आगे बढ़ते चलते हैं और आगे चलते हैं सिवनी नामक गाँव में। अब हम जाटादाहा नामक गांव से आगे पहुंच चुके हैं। यहां पर देख सकते हैं दादा ट्रेवल्स की बस गुजर रही है और आप सामने देख सकते हैं यहां पर जाटादाहा में एक नया पेट्रोल पंप खुला हुआ है, इस पेट्रोल पंप का नज़ारा देख सकते हैं। तो चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे चलते हैं सिवनी गाँव की ओर। अब हम धीरे धीरे करके सिवनी गाँव की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हम सिवनी गांव में पहुंच चुके हैं। सामने आप देख सकते हैं ये सिवनी गांव है। अभी हम धीरे धीरे करके सिवनी गांव से गुजर रहे हैं, ये वाली रास्ता आगे सिवनी गांव की बस्ती की ओर जाती है। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके सिवनी गांव से आगे चलते हैं और आगे चलते हैं डोंडी लोहारा के कॉलेज की ओर। अब हम धीरे धीरे करके डोंडी लोहारा कॉलेज की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं।
अब हम डोंडी लोहारा के कॉलेज के पास पहुंच चुके हैं। आप सामने देख सकते हैं ये डोंडी लोहारा का शासकीय एकलव्य कॉलेज है, इसको आप अभी देख पा रहे होंगे। तो चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हम यहाँ से आगे बटेरा चौक की ओर बढ़ते जाते हैं। अब हम धीरे धीरे करके डोंडी लोहारा कॉलेज से बटेरा चौक की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बटेरा चौक के बाद हम जाएंगे आगे डोंडी लोहारा की ओर। अब हम लगभग लगभग बटेरा चौक के पास पहुंचने ही वाले हैं। सामने आपको बटेरा चौक दिखाई दे रही है, आप देख सकते हैं बटेरा चौक का नज़ारा। ये वाले रास्ता बालोद की ओर जाती है और हमको जाना है सीधी डोंडी लोहारा की ओर। तो चलिए चलते हैं। अब हम धीरे धीरे करके आगे डोंडी लोहारा की ओर बढ़ते जा रहे हैं। अब हम लगभग लगभग डोंडी लोहारा पहुंचने वाले हैं। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर एक पुल दिखाई दे रही है, यह डोंडी लोहारा का पुल है। अब हम लगभग लगभग डोंडी लोहारा नगर में पहुंच चुके हैं। अभी जो आप देख पा रहे होंगे यह डोंडी लोहारा नगर का खूबसूरत नज़ारा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बहुत ही खूबसूरत नज़ारा इस डोंडी लोहारा नगर का आप देख सकते हैं। तो चलिए अब हम धीरे धीरे करके आगे डोंडी लोहारा नगर से आगे की ओर बढ़ते जाते हैं। हम अभी धीरे धीरे करके डोंडी लोहारा नगर की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस डोंडी लोहारा का नज़ारा देखने में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रही है और हम धीरे धीरे करके आगे डोंडी लोहारा की ओर बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर शासकीय हॉस्पिटल है, आप देख सकते हैं ये लेफ्ट साइड में आपको शासकीय हॉस्पिटल दिखाई दे रही होगी और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे आपको दुकानें दिखाई दे रही होंगी। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं यहाँ पर आपको बहुत सारे दुकानें ही दिख रही होगी और यहाँ पर भी देख सकते हैं इधर लेफ्ट साइड में भी बहुत सारे दुकानें हैं। अब लेफ्ट साइड में आपको एक रास्ता दिखाई दे रही होगी, यह रास्ता डोंडी लोहारा की न्यू बस स्टैंड में जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं डोंडी लोहारा की न्यू बस स्टैंड में। अब हम धीरे धीरे करके डोंडी लोहारा की न्यू बस स्टैंड की ओर आगे बढ़ते जा रहे हैं। आप सामने देख सकते हैं ये डोंडी लोहारा का न्यू बस स्टैंड है।